फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग जो है वो किचन से शुरू कर रही हूँ। आज मम्मी ऑफिस जा रही है, इसीलिए आज का खाना बनाने का डिपार्टमेंट मेरा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू प्याज पोस्तो बनाने के लिए सरसों तेल लिया था। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हुआ, मैंने इसमें पचफोरन ऐड किया, एक ग्रीन चिली ऐड किया थोड़ा सा फ़ोरन के लिए, और मैंने आलू और प्याज मैंने इसे क्यूबिकल शेप में, और आप प्याज को ऐसे बारीक काट के रख दिए थे, रफली चॉप किए थे एक्चुअली, उसको मैंने तेल में ऐड कर दिया है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए, कोट हो जाए ऑयल में, मैंने हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक, साथ में थोड़ा सा यहाँ पे मैं तेल में और थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लूँगी। जैसे ही थोड़ा सा प्याज और आलू ट्रांसलूसेंट हो जाए, तो यहाँ पे ये देखिए आप, प्याज और आलू दोनों ही थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ये कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अभी इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके पानी ऐड कर दूँगी। मुझे बिल्कुल सूखा सूखा रखना है, इसलिए मैं अपने अंदर से पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल मतलब ड्राई ड्राई वाला पोस्तो हो। साथ में मैंने पहले थोड़ा नमक ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी स्वाद को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको मैं चला लूँगी, चला के इसको मैं फ्लेम लो करके मैं इसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, बॉयल आ गया है आलू में, और आलू भी बिल्कुल पक के रेडी है। अब इसी स्टेज पे मैंने पहले ही मैंने पोस्तो पीस के रखा था ग्राइंडर में, तो पोस्तो के साथ मैंने बस ग्रीन चिली ऐड किया था, तो वही पोस्तो मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी। आप जिस क्वांटिटी में आप आलू लोगे, उस हिसाब से आप पोस्तो ऐड कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा पोस्तो ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए आलू जितना होता है हमारा पोस्तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने पोस्तो ऐड कर दिया है, ये और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, अभी भी पानी पानी है। जैसे ये देखिए, ये रिड्यूस हो गया है, और मेरा आलू प्याज पोस्तो बिल्कुल झाल वाला, मतलब तीखा तीखा वाला बन के रेडी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हल्दी ऐड नहीं करते हैं पोस्तो में, जैसे मेरे दीदी भाई लोग पोस्तो में हल्दी ऐड नहीं करते, लेकिन मैंने थोड़ा सा वाइटनेस को ब्रेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बस हल्दी ऐड किया था, लेकिन पोस्तो जो है हमारे साइड के वो वाइट वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा बनके बिल्कुल रेडी है पोस्तो, और जैसे ही पोस्तो को मैं यहाँ पे कढ़ाई से एक सर्विंग बाउल में मैं सर्व कर दे रही हूँ, ताकि इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल में ऊपर से ऐड करूँगी अरोमा के लिए, और उसके बाद मैंने एक ग्रीन चिली, बस थोड़ा सा उसका जो चिल्ली का जो स्मेल आता है वो थोड़ा सा आए इसमें भी, मैं इसको तोड़ के वही सर कच्चा सरसों तेल के ऊपर मैं इसको ऐसे गार्निशिंग के लिए ऐसे रख दूँगी, और एक प्लेट से ऊपर से मैं ढक दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा झाल वाला आलू प्याज पोस्तो बन के बिल्कुल रेडी है। तो आलू प्याज पोस्तो बनने के बाद यहाँ पे मैं सेकंड रेसिपी में चलती हूँ उसका प्रिपरेशन करने के लिए। तो देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज एक कोसा या अंडा करी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 हार्ड बॉयल एग कर लिए थे, थोड़ा सा तेल लिया है। सबसे पहले मैं अंडों को फ्राई कर लूँगी तेल में, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक दे के मैं इसको, जैसे ही सरसों तेल में ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, थोड़ा सा रेड रेड कलर जैसे आ जाए, तो इसको मैं एक कटोरी में मैंने बाउल में निकाल लूँगी। मैं फ्रेंड्स कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा भूल गई थी पहले, बाद में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, ताकि कलर जो है थोड़ा सा रेडिश दिखे, तो वो देखने में भी टेक्सचर बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बाउल में मैंने सारे अंडों को फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया है, और सेम ऑयल में अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी फ़ौरन के लिए, जीरा जैसे ही थोड़ा पॉपअप करने लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चिली को ऐसा नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने तेल में ऐड कर दिया है फ़ौरन में। हम लोग जनरली लोग ग्रीन चिली ही प्रीफर करते हैं फ्रेंड्स खाने में, और सरसों तेल ही, मैं मम्मी ज़्यादा जो रेड चिली होता है सूखा वाला वो यूज़ नहीं करते। तो मसाला यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, मसाले में अदरक लहसुन जीरा धनिया और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट कर लिया था। जैसे ही थोड़ा सा मसाला ऐसे कढ़ाई छोड़ने लगे, मैंने टमाटर ऐड किया है। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी स्वाद बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद और थोड़ा सा भूनूंगी मैं मसाले को अच्छे से, ताकि इससे ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मैं थोड़ा सा फ्लेम लो करके मैं इसको ढक दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अभी इसी स्टेज पे मैंने जो फ्राई किए हुए हार्ड बॉयल एग्स थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मुझे इसका बिल्कुल सूखा सूखा ग्रेवी बनाना है, क्योंकि दाल तो मम्मी पहले ही बना के चली गई थी, तो ये बिल्कुल कोसा टाइप का रहेगा। इसलिए थोड़ा सा बस मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, फ्लेम को हाई कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इस पर मैंने थोड़ा सा नमक बाद में और थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया था।
तो इसको ये देखिए फिर टेक्स्चर अभी ये है, कंसिस्टेंसी आपको जैसे रखना है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे एक करी या कोसा बन के बिल्कुल रेडी है। आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं आज आई हूँ ऑफिस सेकेंड हाफ में, जबकि लंच आवर हो गया है और यही टाइम ठीक रहता है हम लोग का काम करने का। सारे 8 बजे जितने हैं हम लोग, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग काम कर पाते हैं ऑफिस में। आज मंथ का लास्ट डे भी है, वर्किंग डे भी है, तो प्रेशर बहुत है। चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर। चलिए ऑफिस के अंदर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं। फोर्थ फ्लोर पे हम लोग का ऑफिस है। यहाँ पहले द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये ऑफिस था, फिलहाल बंद हो चुका है, 3-4 साल हो गया है बंद है। या बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। मैं थोड़ा सा लंच करके आई हूँ क्योंकि आज बहुत देरी होने वाला है ऑफिस में। लंच एक कॉरिडोर में, गार्डन ऑफिस कॉरिडोर में छोटा सा एक गार्डन। यह हम लोग का वॉचमैन दादा का जगह है बैठने का, पता नहीं कहाँ गए, अंदर होंगे। लंच और हो गया है ना तो सब खाने के लिए चले गए हैं। ये सारे काउंटर है, रिन्यूअल जमा होता है यही काउंटर। हाय गाइस। हाय है, लंच करने जा रहा है? हाँ। अपना नाम बता। अरे हम लोग का ऑफिस का स्टाफ, नाम अपना बोल के जाओ। मेरा नाम दीपक है। हाँ। ऑफिस टूर में बाद में कराती हूँ, पहले मैं काम कर लेती हूँ। काम कर लेते हैं पहले। ऑफिस बहुत ठंडा है हम लोग का, इधर कूलर। सारे सीनियर भी बैठे हैं हम लोग का। चलिए अभी टॉक लेस वर्क मोड करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जमा दे देती हूँ, काउंटर खाली है। गुड आफ्टरनून सर। ये हमारे सुधीर सर है। सर सुधीर तो हाय बोलिए। देखिए तो कितना, उतना ही टोटल आ रहा कि नहीं। और पहला जो दुर्गाकालीन भी है उनका 2 इंस्टॉलमेंट है। ये हो गया हम लोग का कैंटीन, ऑफिस का कैंटीन। यहाँ चाय, ओनली चाय बनता है। ये हो गया सिंक, ये हो गया एक्वागार्ड, बहुत ठंडा ठंडा पानी। पानी पीने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कैंटीन में। गला सूख गया काम करते करते दोस्तों, इतना काम आज रहता नहीं है। सडनली मतलब एक बिजनेस हुआ तो उसी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते पार्टी का घर जाके उसका वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उससे पैसा लेकर फिर दौड़ दौड़ के ऑफिस भाग के आना। एक छोटा सा कैंटीन, यह सारे कुछ स्टाफ यहाँ लंच करते हैं। वैसे लंच के भी अलग से है लेकिन कुछ कुछ स्टाफ जो है वहाँ लंच करते हैं। हम लोग चाय पीते हैं आके, पानी पीते हैं। आप लीजिए ना, प्लीज़ ले लीजिए। ठंडा पानी।
ठंडा नहीं है? पूरा ठंडा है। पूरा ठंडा ही तो चाहिए सर। सर भी आए हैं, सर हेल्प कर दिए मुझे नल खोलने में, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है। आओ भाई, कमेंटी अच्छो बोलो। और चाय चूहा तो पाई भी नहीं जाने मुँह, चाय चूहा तो मिलवा नहीं मिलवा। अच्छा लाल चाय, लाल चाय हम এই হচ্ছে আমার ভামা ভাই, আমাকে আমার ক্যান্টিন ম্যানেজার ভাই। হাই করে দিয়ে তো ঠিক মু আসলে কে নথিলা বাহারি গেলে পুরা খালি মু পুরা ভিডিও করে সারলি এটা আমার অফিসর ক্যান্টিন মু কইলি এইটিকা যে ইনচার্জ সে না হান্তে দেখ আসি গল তবে আমি ভাইয়া কে হাত সে চায় পিনা হ্যাঁ কিন্তু আমরা চায় কে লিয়ে তরসতে হ্যাঁ ইতনা পেপার ওয়ার্ক হতা হ্যাঁ চায় থোড়া হলে সে মাইন্ড ফ্রেশ না ভাই। হ্যাঁ মানে দূর সে লে রই হ্যাঁ সামনে সে পারমিশন নেই হ্যাঁ লেলে কা সব অফিস স্টাফ কাম কর রে হ্যাঁ যে হতে আমার এনার্জি নেই ସେମିତି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନୁହେଁ ଅଫିସରେ ନା ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ। लेकर फिर से आ गई हूँ, मम्मी गई है ऑफिस, तो अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स देखिए 2:30 बज गए हैं। और यहाँ पे मैं अपना लंच थाली परोस चुकी हूँ। आज के लंच में है चावल, एक दाल का बड़ा, मसूर दाल का बड़ा, झाल झाल कोरे आलू प्याज पोस्तो, रहर का दाल, अरहर की दाल आम देके, कच्चा आम देके, और एक कोसा या अंडा कसा। तारी फ्रेंड्स खुद क्या ही करूं, थाली देख के ही समझ जाइए एक भी चावल का दाना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ ये ग्रीन चिली का वो आउटर सेल बस, ये देखिए सब खाली। आज इतना मतलब दिनों बाद, मतलब खुद से मैंने बहुत मतलब दो आइटम मैंने बनाया, बीच में तो मम्मी ही बना रही थी, इतना अच्छा बना था कि मैं क्या ही कहूँ। वही इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया खुद का तारीफ खुद क्या ही करूँ, इतना स्वाद था, मतलब मैं ऐसे चाट चाट के खा रही थी, पूरा कटोरी को ही मैंने पूरा चाट लिया। मम्मी होती ना बोलती और धोने का ज़रूरत नहीं है ऐसे ही रख दो। आज सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा बना था, आलू प्याज पोस्तो, मम्मी जो दाल बना के गई थी वो, फिर एक कोसा, बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना जल्दी खाया, मैंने दिखाया था टाइम 2:30 हो रहा था, अभी 2:45 हो रहा है, 2:45 बज रहे हैं, मतलब 15 मिनट में मैंने थाली साफ कर दिया, इतना मुझे भूख लगा था और इतना अच्छा भी लगा खाना। मैं ऑफिस से आ गई, अभी 4:45 बज रहे हैं, इतना देरी। और एक यूनिक सा चीज़ आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरा करके, आग मेरे देखिए মুখে খানে দেগি চলি চলতে হ্যাঁ ফ্রেশ। তুই ফোন করেছিলি আমাকে? হ্যাঁ বুঝতেই পেরেছিলাম, ফ্রেশ হতে হ্যাঁ
उसके बाद टुआ परोस देगी, मैं खाऊंगी और अभी खाऊंगी तो इंडाइजेशन ना हो जाए। मैं टुआ उन्हें मेहनत टुआ बहुत मेहनत से खाना पकाई, मुझे खाना पड़ेगा, इंडाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन भूख लग रहा है बहुत। अभी आते टाइम एक कप चाय पिया, आपने देखा मैं एक कप चाय मतलब सर पकड़ लिया था पूरा, और एसी पूरा हो गया था वहाँ ऑफिस में, चारों तरफ से कूलर चल रहा था और मुझे ऑलरेडी कल ठंडा पकड़ लिया था। मेरा घर का कूलर भी इतना कूल हो गया था रात को कि बर्दाश्त के बाहर, इतना ठंडा, गला भी थोड़ा पकड़ रखा था, तो थोड़ा चाय वहाँ एनर्जी ड्रिंक का काम किया, थोड़ा हेडेक भी था दूर हो गया। तो बस वो चाय मतलब बे टाइम में आप चाय पियो तो भूख पूरा मार देता है, वही हुआ है, लेकिन खाऊंगी। थालीटा के देखाई तुम्हार बोलो। अच्छा এখন খা, শান্তি মতন খাও তারপরে বলো, ঠিক আছে? চোখগুলো তো ভূত হয়ে গেছে তোমার। পানি গিয়ে রাত আবার তোর আদল ডালতে রাইছি উলকে বাবা যদি পানি গিয়ে রাত আর বানা কে গই থি খুদ কা ডাল খুদি নেই খাই আবি মে তাই অফিস যাওয়ার কা টাইম খানা থোড়া সা খা কে গই ডাল দেখে মে খা কে গই তুমি দেখি নেই। হ্যাঁ আমি দেখেছি, আমি তো নিজেই বড়া ভেজে দিলাম। ডাল মুঝে উতনা পছন্দ নেই তুমি কো মালুম হ্যায়। তুমি থোড়া সা ভি লেকে মে খাই পোস্ত কা সাথ। আবি আন্ডা আন্ডা গ্রেভি সামনে পড়া হো আর কোন ডাল কো পুছতা হ্যায় বলো তো তুমি। ডিমটা তুমি ওখানে ভাঙছো, আমি এখানে স্মেল পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি অনেক দিন পর বানালাম। বানা বানায় মিল যায় পরোসা হুয়া খালি একদম। কাল রাত কো ভি পরোসা হুয়া আর আভি ভি পরোসা হুয়া না বা তবে তাই মাম্মি লোক মাম্মি লোকন কো তো চাইয়ে না টেম্পারিং হ্যাঁ কি নাই বলি। বহুত দিন বাদ তোমার কুকিং কিয়া और मुझे शार्प करके दिया खाना, परोस के दिया। कल रात को भी दिया था, आज दोपहर को भी दिया, सूट नहीं किए थे कल रात को भी मैं आई थी तो मुझे बना के परोस के मुझे खिलाया पूरा। कीटा चावल एक्स्ट्रा भी रखी थी उठा निये ना खिदे पावे আবার কোন রাত দশটায় আট ঘন্টা ডিফারেন্সে খাবে? ঠিক আছে ছোড়ো না, টাইম ছোড়ো না, তুমি খাও না। গ্রেভি আর একটু নেবে ডিমের? হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেলফ হেন্স প্রুফ। ইয়ে দেখিয়ে মেরা ভি এই থা না, এই প্লেটার মে মে খা রি থি, ফির সে ধোকে মাম্মি কো মে নিচি মে দিয়া থা, ক্যুকি আজ বহুত সারা আইটেম টা তো বড়া থালি মে মুঝে এই দিখা তো ইসিলিয়ে মে ধোনে ভি গই থি। আমিও যখন খেয়েছিলাম শুট করেছিলাম একটুখানি ভিডিও, আমারও একটাও ভাতের দানা ছিল না, এগুলো চেটে ফুটে এবার সেম এই কথাটা আমিও বলেছি, সেম এই কথাটা বলেছি আর এটাই বলেছি, আমার মা থাকলে আমাকে এটাই বলতো, সেম এটাই বলেছি। একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস হলে না এখন জমে যেত ব্যাপারটা জানো, আমার আমার আই এম নট আস্কিং ফর ইউ, তোমাকে জমাতে হবে না গো, একটু জমে যেত, জমাতে কি পুরো জমে যাবে, পুরো আবার ওষুধ আনতে হবে। একটু মাজা আনলে স্প্রাইট একটু হলে না নিয়ে আসবো একটু বিকালে আজকে। কেন তুমি নিজেরটা কে সর্দি ভাই নিয়েছো, আমার কি যাতে আমার থোড়ি হয়েছে না হোক। আচ্ছা আইসক্রিম তো আমার কি হ্যায়, আইসক্রিম আনতে আনতে একটু দুধ হয়ে যাবে, গরম হয়ে যাবে, কোল্ড ড্রিঙ্কসটা ঠান্ডা থাকে। একটা আইসক্রিম নিয়ে আসবো আজকে, একটা ফ্যামিলি প্যাকই নিয়ে আসবো আজকে, খুব ইচ্ছা করছে আজকে একটা আইসক্রিম খেতে আমার। কেমন খাওয়ালাম? ভালো খেলাম। তারপর আর বলতি না তুইও মা হাতটা ধুতে হবে, কিন্তু আমি তো অফিসে বসে বসে ভাবছি এই মেনুগুলো আছে কখন কি টুট পর হব। আমি একটার থেকে রান্না স্টার্ট করেছি, দুটোর সময় কমপ্লিট হয়েছে দুটো রান্না। কিছু হবে না, একটু রেস্ট নাও, হাঁটা বিকালে তো আর তুমি ঘুমাবেন না, হাঁটা চলা করবে হজম হয়ে যাবে। পূজা মেবি বুলায় সামনে বেলা ঘর নেই পূজা মে করা জানা।
ये देखिए मेरे ऊपर पूरा पैर फैला दिया है। ये देखिए ये भी उसमें मोबाइल देखना हो गया, रेसिपी देखना हो गया। रेसिपी देख देख के ना भूख को बुलावा देती है टुआ, है ना? ये बात देखिए 100% सही है। लास्ट किचु दिन धरे ना जेटा देखछी ओटाई खेते इच्छा करते इच्छा होते ऐसे होता है। खाने पीने का सामान मत देख, खाने पीने का चीज को देखो मत, इग्नोर कर। कल दिन धरे हमार से जन्मदिन जे बर्थडे में आप बनाए थे ना वो फ्राइड राइस और वही बर्थडे तो जेटा बनी छिले ना ওইটা খেতে ইচ্ছা করছে, ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। তখন তো আগের দিন খেয়েছি, পরের দিন খেয়েছি না, অতটা মন ভরেনি। খুব ইচ্ছা করছে আজকে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খেতে, একদম ঝরঝরে আজকে খুব ইচ্ছা করছে। রাত করিয়ে এই রেসিপিগুলো না রাতে খেতেই ভালো লাগে, চিলি চিকেন, ফ্রাইড রাইস, হ্যাঁ পোলাও টাইপের আইটেম দুপুরে চলে যায়, রাতে এগুলো খেতে খুব ভালো লাগে। আর ফ্রেন্ডস আবি বাজ রয়ে হ্যাঁ 10:30, মা আর মম্মি বেড পে আ গে হ্যাঁ, खाना खा लिया है, तो यही है बस। और मम्मी का थोड़ा सा इवनिंग में आपने देखा वो लेट के जब वीडियो बना रही थी तो उनको तब से ही थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा सा टेम्परेचर आ गया है उनको, पता नहीं कैसे, या कल रात को बिना नेट लगाए ऐसे ही कूलर का हवा उस वजह से ठंडा लग गया हो, या ठंडा पानी पीती है फ्रिज का, जो भी कारण हो मिसलेनियस है, बहुत सारे रीज़न के वजह से ही हो सकता है। कोई एक अगर आपने 10 समोसे खाए और किस एक समोसे की वजह से आप मोटे हुए या कैसे पता चलेगा, सारे ठंडे लगाने वाले काम तो करते रहती है, पानी का काम मम्मी करती है, सीजन चेंज हो रहा है उसी वजह से शायद नेट लगा लिया, इसलिए आज पहले सोने के पहले ही नेट लगा लिया है। क्योंकि पहले क्या करते थे, मैं पढ़ाई करती रहती थी, मम्मी सोए रहती थी, मेरा ख़त्म हो जाता था, फिर हम लोग नेट लगा के फाइनल हम लोग 11:30-12 बजे सोते थे, तो आज पहले ही लगा लिया ताकि डायरेक्ट जो कूलिंग एयर है वो डायरेक्ट सीधा कॉन्टैक्ट में ना आए मम्मी के, और मम्मी सोती है उस तरफ, मैं सोती हूँ इस तरफ। कैमन लग छे देखी रात का काटू, एक पैरासीटामोल एक दे दिया है, कफ सिरप भी खा ली, थोड़ा सा खांसी हो रहा था और टेम्परेचर आ गया था, ऐसे कप कप ही जैसा अंदर में एकदम ठीक हो, जार्किन हो रहा था पूरा, लग रहा है ऑर्गन सब जार्किन हो रहा है अंदर में, एक जगह मतलब खड़े नहीं हो, पैर एकदम थरथरा रहे थे, तो थोड़ा सा हल्का मैंने खा लिया एकदम ना के बराबर डिनर, और पैरासीटामोल एक खा लिया, पैरासीटामोल खाना है इसलिए थोड़ा सा मैंने खा लिया है, अभी सो जाऊंगी। गर्मी इतना है ना, अभी तो हर घर में है ना, मैं तो खुद जाके रोज देख रही हूँ, तो खुद का साथ होगा, एक कोई मतलब चौंकने वाला बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, आल इज वेल। इतना गर्मी है यहाँ पे शोल्डर पे, ये नेक इतना मतलब हेयर्स आ जाने से कितना इचिंग होता है, इसलिए मैंने ऐसे मैं रात को भी ऐसे ही बना के मैं बन बना के मैं सोती हूँ, ताकि नींद में मुंह में आँख में चला जाता है, नाक में चला जाता है, तो ऐसे बना के मैं सोती हूँ। ऊपर में बांधी थी, अभी धीरे धीरे ये नीचे खसकने नीचे आ जाता है, सकाल उठती ठीक ही था। तो चलिए ज्यादा कुछ मतलब वीडियो शूट कर नहीं पाए ना टुआ ना हम, टुआ ने किया है कुकिंग का किया ना, कुकिंग का किया बस है, डेली रूटीन जो है कुकिंग। आज गई, आज फर्स्ट टाइम है, तुम्हें कत बड़ अचीवमेंट दो, फर्स्ट टाइम मम्मी आज गई है ये न्यू वाला फोन लेके बाहर, खुद ब्लॉगिंग करके आई है अपने ऑफिस से, तो कम बहुत बोल पड़ गई, वीडियो पब्लिश होने के बाद मैं खुद रिव्यू दूंगी कि कैसे मैंने किया, और आप लोग भी बोलिएगा। मैं टुआ को सैल्यूट करती हूँ, मुझसे तो एक मोबाइल संभाला नहीं जाता, अगर बाहर में ऑटो में बैठी रहती हूँ अगर कॉल आता है मैं रिसीव नहीं करती, मुझे लगता है वो गिर जाएगा, मैं उसको निकल के पार्ट से निकल के बात करूंगी गिर जाएगा, मैं उठाती नहीं हूँ, बार बार कोई करे तो तब मैं थोड़ा सा मतलब उसको संभाल अलर्ट हो जाती हूँ, अलर्ट होके उठाती हूँ। और आपकी आज दो दो मोबाइल मुझे ले जाके ऑपरेट करना पड़ा, एक मोबाइल से मेरा ऑफिशियल कामकाज मैं कर रही थी, दूसरा मोबाइल से मैं वहाँ वीडियो शूट कर रही थी, टुआ को आके तुरंत बोली कि तुम कैसे तीन तीन मोबाइल हैंडल कर रही हो, मुझसे तो दो हो नहीं हो रहा है, सब हैबिट का बात है, एक दिन अगले साल शायद मेरे लिए भी ये नॉर्मल चीज हो जाएगा, अगले साल इसी मंथ में ए मतलब हैंडी हो जाएगा मेरे साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, मिलते हैं कल आपसे एक न्यू वाले ब्लॉग के साथ, देखते हैं तब तक मम्मी तबीयत ठीक ही हो जाना चाहिए, आप लोग प्रे कीजिए कि ठीक हो जाए, क्योंकि इनका ये भले घर पे रहे कोई काम ना करे मैं सारा कर दूंगी, लेकिन तबीयत ठीक होना चाहिए, ये ऐसे वाला बिस्तर में सोना नहीं है, सोना है लेकिन तबीयत खराब होके नहीं, वो मैं नहीं देख सकती, नहीं होना चाहिए, तखन आवाज़टा तुम्हारे एकटु चुवा एरम हो जाए ना, भालो लागे ना,
मम्मी खराब होता है तो आवाज भी मम्मी गुस्से में चुमा ऐसे बोलती है तो ही मुझे ठीक लगता है। चुमा इतने जलते हैं ना दीदी, ऐसे बोलती है ना मरियल टाइप का, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है क्या हो गया इसे। चलिए यही एंड करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।